सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सी टेट एग्जाम 2020 के हिंदी पेपर के सोल्यूशन को लेकर के आई हूँ। जिन्होंने भाषा एक में हिंदी चुना है उन प्रशिक्षुओं को पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर देखना है। तो मैक्सिमम जितने भी प्रशिक्षु हैं, आमतौर पर देखा जाए तो भाषा वन में हिंदी ही चूज करते हैं, क्योंकि भाषा टू में इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई एक चूज करना होता है, या फिर इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज होती है, यानी कि भाषा जो भाषा जिसको अच्छे से आती है, जैसे कि पंजाबी है, उड़िया है, या इस तरीके से बंगाली भाषा है, तो ये लैंग्वेज सेकेंड में होता है, सब आपको पता ही। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम भाषा एक में जो हिंदी विषय है इसके सोल्यूशन को देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके 91 से लेकर के 99 तक जितने भी क्वेश्चन है सबको हमको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं क्या है ये। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको हमें इसी के आधार पर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें इनकी सदाशयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। वे किसके लिए जिए? सभी प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे है, गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो किसे बनाया यहाँ पर पूछा, तो आप देखिए गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता, यही तीन चीजों को इन्होंने अपना मित्र बनाया था। तो गुलामी से आजादी, विवेक से मित्रता और मनुष्यता की सेवा, इन तीनों को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। और किसे नहीं बनाया था यहाँ पर पूछा है, तो गुलामों से आजादी, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है, सबके प्रति समान दृष्टिकोण का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। इनका जो व्यवहार था वो सभी के लिए क्या था, समान था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यवहार में यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। तो देखिए, अनुच्छेद के अनुसार अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए किसे, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को, सत्य और असत्य की परिभाषा को, या अहंकार और विवेक की परिभाषा को। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर क्या होगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार का एक हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर सत्यता, ईमानदारी, ये सब भावनाएं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो होने ही चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, या सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो यहाँ पर आप देखिए, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार ही गांधी और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार। इसके बाद फिर देखिए, गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है जो कि अपना मित्र होगा, वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देख लीजिए, यानी कि जो अपना मित्र होगा वो हर किसी का मित्र होगा। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं वह और कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी, वे सभी धर्म गुरु थे, वे सन्यासी थे, वे भारत में जन्मे थे, सभी ने मानव कल्याण की बात की थी और मानव कल्याण किया था, ये मानव कल्याण के लिए ही जिए थे, यही इनकी क्या है, विशेषता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कि इनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है और वे समस्त प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए और सृष्टि के लिए जिए थे, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, कौन सा शब्द भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, वीरता, ये सब हो जाएंगे
हमारे भावगत संज्ञाएं। यहाँ पर जो मित्र है ये ऑप्शन नंबर थ्री, यही क्या है, इन सबसे अलग है। मित्र में लग गया था, मित्रता हो गया, मनुष्य में ता लग गया, मनुष्यता हो गया, वीर में ता लग गया, वीरता हो गया, यहाँ पर सत्ता प्रत्यय लग के। लेकिन यहाँ पर मित्र देखिए अकेला है, तो ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, सही शब्द चुनिए। सभी के प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो समान दृष्टि का भाव भी आपने देखा भी है, सभी के लिए समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो ऑप्शन टू सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा, अपना पराया में कौन सा मास है। अपना पराया, भाई बहन, माता पिता, सभी में बीच में क्या रहता है, डैश लगता है, दिन रात, तो इन सब में कौन सा समास होता है, द्वंद समास होता है, जहां पर भी ये चिन्ह आप देखोगे, तो ऑप्शन थ्री जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, समाज, व्यवहार, बुद्धि या वंश। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो हमें हमारे व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, हमारा व्यवहार जिस तरीके का होगा हमें उसी प्रकार का फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। पैराग्राफ में सबसे लास्ट लाइन में आप देखिए लिखा हुआ है कि जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं वह और कहीं नहीं, बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर वन जो है स्वयं में, यानी कि हमारे अंदर। शांति को कहाँ पाया जाता है, स्वयं में, यानी कि खुद के अंदर, हमारे अंदर, तो ऑप्शन वन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसको हम पद्यांश भी बोलते हैं। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को हमें चुनना है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आवाज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़ने के बाद, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पोयम में लिखा हुआ है काव्यांश में, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, किसके लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, देश आज रो रहा है पंक्ति का क्या आशय है, देश में शांति का वातावरण है, तो गलत है, देश में अशांति का वातावरण है, या देश के नागरिक रो रहे हैं, या देश में बाढ़ आई है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश में अशांति का वातावरण है, इसीलिए देश क्या हो रहा है, रो रहा है। उसका रीजन क्या है, लोग छोटी छोटी बात पर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, देश हित को भूल करके प्रांत पर, भाषा पर, जातियों पर लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, द्वेष का दमन किया जा सकता है, द्वेष मतलब क्या होता है, घृणा, और घृणा का हम समन कैसे कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, पीयूष का विलोम, पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत का विलोम क्या होता है, विष, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है विष राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, तो भ्रष्ट धन आचार, तो भ्रष्ट धन आचार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश हित को भूलकर गलत है, समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके, या देशभक्ति के गीत गाकर, तो सभी भेदभावों को दूर करके हम देश को और सुदृढ़ बना सकते हैं, भाषा, जाति, इन सब भेदभावों से ऊपर उठ करके हम देश को सुदृढ़ बना सकते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, तो लिखना जो है वो शुरू ही होता है अक्षर चित्र बनाने से, कैसे शुरू होता है, चित्र बनाने, दोस्तों कोई भी अक्षर वो चित्र ही होता है, कोई भी अक्षर आप कुछ भी लाइन खींचोगे, किसी भी तरीके से बच्चे को आप कुछ भी सिखाओगे तो वो एक चित्र ही होता है, तो चित्र बनाने से ही बच्चों को शुरुआत करते हैं हम लिखाने का, तो ऑप्शन 2 सही। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से
सहमत हैं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते या ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो भाषा के कौशल कौन कौन से, आप सभी को पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ पर देखिए ये एक क्रम में होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन जो है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन वन जो है पहले बच्चा सुनता है, फिर वो सुन करके बोलना शुरू करता है, फिर वो बोलने लगता है, फिर उसके बाद जो बोर्ड पे लिखा था उसको पढ़ना शुरू करता है, पढ़ने के बाद लिखने वाला जो एक्टिविटी है वो आता है। तो ये एक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें डैश से उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब हम बच्चों को कोई भी रचना या कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो जो अभ्यास प्रश्न होता है वो उन्हें परखता है, उन्हें परखने का मौका देता है, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तदात्म्य का मौका देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, परखने, जुड़ने और तदात्म्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी कि दूसरे जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से हम सीखते हैं। और अक्सर ये देखा जाए तो ये सही भी होता है कि जो भाषा होती है वो अनुकरण से हम सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें टीचर सिखाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें सिखाते हैं। और ये जो अंतःक्रिया वाला यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको पता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है, तो परिवेश में समाज आ जाएगा, ये बंडूरा के अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से या परिवार की जानकारी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक प्राथमिक स्तर की बुक है और इसमें लिखा है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यहाँ पर बच्चे को सोचने पर विवश किया जा रहा है, यानी कि बच्चा सोचेगा कि अगर वह अपने पिता की जगह होता तो वो ठेला जो उसके पिताजी लगा रहे हैं उसकी जगह पर वो कहाँ चूज करता, उसको कहाँ उसको सही लगता, वो चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है चिंतन क्षमता के विस्तार से, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं हम तो सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना या व्याकरण सम्मत भाषा। तो सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहज अभिव्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 1-5 के बच्चों की बात कर रहे हैं और वो अपनी भाषा में अपनी बातों को अभिव्यक्त कर ले रहे हैं सहज तरीके से, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण, ये तो हम उन्हें धीरे धीरे भी सिखा सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में ही वो अगर अपने विचारों की सहज अभिव्यक्ति कर ले रहे हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। अब 112 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4, रोचक कहानियां, क्योंकि जब आप बच्चों को कहानी सुनाओगे तो एक माहौल बनेगा कक्षा में, जब एक माहौल बनेगा पढ़ने का तो बच्चे धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे। तो क्लास में सबसे पहले टीचर को एक माहौल बनाना होता है, एक एनवायरमेंट बनाना होता है कि बच्चे पहले पढ़ना सीखें। कैसे सीखेंगे वो, पहले उन्हें हम कहानी सुनाएंगे, जब कहानी अच्छे से उन्हें लर्न हो जाएगी तो वो खुद ही कोशिश करेंगे कि हाँ कितना आनंद आ रहा है इस कहानी को पढ़ने में। तो एक कहानी टीचर ने सुना दी, अब बच्चों को टीचर खुद कहेंगे कि और जो कहानियां उसको आप खुद पढ़ो क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में है। तो बच्चे इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर पढ़ने की जो स्किल है, पढ़ना वो अपने आप डेवलप होगा, पढ़ने की एक्सरसाइज वो खुद करेंगे, किताब वो खुद घर पर जा करके पढ़ेंगे, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अच्छी अच्छी कहानियां बच्चे देखेंगे तो उन्हें ये खुद एक्साइटमेंट होगी कि एक कहानी टीचर ने बताई उसमें किताब में 10 कहानियां और है, तो इन 10 कहानियों को भी हमें खुद पढ़ना है। तो इस तरीके से बच्चे पढ़ना खुद सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन या लापरवाही। तो बच्चे यहाँ पर देखिए ऐसे किताब तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस बच्ची ने किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से, सलमा इसका नाम है, तो वो इस तरीके से लिखी है, तो यानी कि उसने छोटी ई की जो मात्रा है वो नहीं लगाई है किताब में, और यहाँ पर ता पर आ की मात्रा भी नहीं लगाई है, तो उसे यहाँ पर देखिए वह किसमें गलती कर रही है, मात्राओं में गलती कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है, अज्ञानता,
और यहाँ पर देखिए नियंत्रित लेखन और लापरवाही, तो बच्चे ने आप कम से कम प्रैक्टिस तो की है, तो ये लापरवाही तो बिल्कुल नहीं होगा और नियंत्रित लेखन भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि उसे जितना पता उतना वो लिख रही है। और यहाँ पर दोस्तों अज्ञानता शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे कि बच्ची अभी कक्षा एक में बच्ची पढ़ रही है तो धीरे धीरे वह सीखेगी। तो यहाँ पर सलमा का ये जो लिखने का तरीका वह स्ववर्धनी को दर्शाता है, यानी कि खुद से उसे जितना आ रहा है, अगर उसको किताब इसी तरीके से समझ में आया तो वो इसी तरीके से लिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वह खुद से लिख रही है तो यह उसके स्ववर्तनी को दर्शाता है, यानी कि उसके खुद के ज्ञान को दर्शाता है। वह खुद कितना वर्तनी के बारे में जान रही है, स्पेलिंग के बारे में जान, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है, कि उसके स्ववर्तनी को दर्शाता है ये चीज, ठीक है। यहाँ पर बच्चे की अज्ञानता नहीं होगी, नियंत्रित लेखन नहीं होगा, लापरवाही नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, स्ववर्तनी, यानी कि खुद से उसको जितना ज्ञान है वो उतना लिख रही है, यही दर्शा रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 114 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैस ने किया, किसने किया है, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या चोम्स्की। अभी आपने देखा कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन है वो वाइगोत्स्की ने किया है, तो ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, द्विभाषिकता और डैस उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, व्यावसायिक दिया दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर साहित्यिक यहाँ पर देखते हैं तो ये भी नहीं सही है, वैज्ञानिक भी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर 2 जो है विद्वत ये राइट आंसर होगा। तो द्विभाषिकता और विद्वत यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विद्वत उपलब्धियों का गहरा संबंध, अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी को एक से ज्यादा भाषाएं आ रही है तो एक से ज्यादा भाषाएं आने से उसका फायदा क्या होगा उस व्यक्ति को, कि वह अपनी भाषा को तो जान ही रहा, दूसरी भाषाओं को भी जान रहा है, तो इससे उस भाषा में भी लोगों से वो बातचीत करेगा, उस भाषा में भी सोचने विचारने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, तो इस तरीके से उसके सोचने की क्षमता, ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पर विद्वत जो है ये राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा और सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान या भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1-5 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप देखिए व्याकरण के नियमों का प्रयोग या व्याकरण ज्ञान ये सब गलत हो जाएगा, भाषा ज्ञान गलत होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा का प्रयोग बच्चा कर ले रहा है, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए कि बच्चा सही से अपनी भाषा को बोल ले रहा है, बाकी वो व्याकरण के नियम का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, व्याकरण का ज्ञान उसके पास है कि नहीं ज्यादा, भाषा का ज्ञान उसके पास कितना ये मायने नहीं रखता, लेकिन भाषा का प्रयोग बच्चा कर ले रहा है ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, मौखिक भाषा का आंकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, मौखिक मतलब जैसे हम मुख से बोल करके अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये किस पर बल देता है, उच्चारण का शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कक्षा 1-5 तक के बच्चों को आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर देखिए उच्चारण उतना मायने नहीं रखता, बच्चा अपने अपने भावों को विचारों को अगर क्रमबद्ध तरीके से रख ले रहा है तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती कक्षा 1-5 तक के बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है विचारों की क्रमबद्धता ये राइट आंसर होगा, यानी कि अपने भावों को अपने विचारों को उसके अंदर जो भी भावना है जो भी आपसे वो कहना चाह रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से वो बता ले जा रहा है, एक सीरीज से बता ले जा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उच्चारण अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो इसको हम समय के साथ सही कर सकते हैं, धारा प्रवाह अगर बहुत तेजी से वो नहीं बोल पा रहा है, मतलब कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, ये भले ही नहीं पता है लेकिन बच्चा अपने विचारों को क्रम से कह ले रहा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, कक्षा 1-5 तक का बच्चा है, इसको हम इसलिए बाध्य नहीं कर सकते कि तुम शुद्ध शब्दों को ही बोलो, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो हम भाषा के माध्यम से ही सबसे पहले दोस्तों देखिए सोचते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम सोचते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अनुभव चिंतन ये तो गलत हो गया, और महसूस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महसूस करते हैं, तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे, तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा है वो इतना बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए कि उसका भाषा प्रयोग से नाता ना टूटे। भाषा मतलब बच्चा भाषा को सीख भी रहा है और उस भाषा को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपने परिवार अपने मित्रों के साथ उस भाषा को बोल करके उसका प्रयोग भी कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी। बाकी व्याकरण, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना ये सब बाद में आएगा, लेकिन जो भाषा विद्यालय में सीख रहा है उसको जाकर के वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में,
तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, तो ऑप्शन टू यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी विषय का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है या बच्चों के लिए होता है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह भाषा की जो रंगते हैं यानी कि जो बाल साहित्य होते हैं वह भाषा की रंगतों को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो आप देखोगे बाल साहित्य में जो कहानियां होती हैं उसमें आप देखोगे इस तरीके की कहानियां होती हैं कि जो बहादुर बच्चों की कहानियां होती हैं, या कभी कभी आप देखोगे तो उसमें राजाओं की कहानियां होती है, तो वीरता होती है, कहीं कहीं इमोशन होता है, कहीं कहीं बच्चे आप देखोगे तो डर जाते हैं कि आगे क्या होगा। उस कहानी में कोई ना कोई हीरो होता है, कोई ना कोई विलन होता है, तो उसमें आप देखोगे कि बच्चे हंस भी रहे हैं, बच्चे रोते भी हैं, और बच्चे उसमें एक कह सकते हैं हम कि एक जिज्ञासा भी होती है कि कहानी में आगे क्या होगा। तो वह भाषा के विभिन्न प्रकार की रंगतों को प्रस्तुत करता है जो बाल साहित्य होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़िएगा। और अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने जो प्रिय मित्र हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं हमारे, तो टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।